मैं हूं आपका दोस्त और आज के शाम का होस्ट अरुण मोहिते। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ यहां मौजूद है। आज की शाम बहुत खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम शूर-ए-शिहाब इस किताब के लॉन्च के लिए आए हैं। मिस्टर मुजीब जैहून एक मशहूर शायर और लेखक है। उन्होंने अपने अल्फाज से जिंदगी और जज्बात को एक बेहतरीन तरीके से बयां किया है। उनकी किताबें ना सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि इंसानी जज्बात को समझने में मदद भी करती है। आज हम यहाँ उनकी नई किताब शूर-ए-शिहाब पर चर्चा करने आए हैं। ये किताब उनकी ख्यालात और जज्बात को एक बेहतरीन इक्तिबाजत के जरिए सामने लाती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इस खास मेहमान का, मिस्टर मुजीब जैहून का। गोइंग इन टू द कॉन्वर्सेशन अबाउट द बर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक इज अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग एंड जस्ट गॉट अ चांस टू लुक एट द बुक। इट इज ब्यूटिफुली रिटन, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैड फॉर यू। ये किताब सोच, मुख्तलिफ नजरियात और रूहानियत का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन मिलाप है। आपने कैसे फैसला किया कि किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और उनकी इतनी लंबी और गहरी जिंदगी को छोटी छोटी बातों और लफ्जों में लाना मुश्किल था? ये जो किताब है, इसकी असली किताब जो उसका नाम है स्लोगन्स, ये हमारे मनोबल का एक बेहतरीन इंसान के बारे में है, उनके मैसेज के बारे में है, उनकी जिंदगी के बारे में है। किताबें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखना बहुत लोगों का पेशा है, लेकिन जो अल्फाज जितना कम लिखने की जो चैलेंज वो बहुत मुश्किल है। तो इस किताब में तकरीबन 200 पेजेस है और हर एक पेज में एक या दो सेंटेंस है, और जो जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको हम प्यार से शिहाब सैयद शिहाब बोलते हैं, जिनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अली शिहाब अल हुसैनी, जो जिनके फोर फादर सैयद से आके पैरामा सभी हुआ था। तो ये शख्स जो है एक स्पिरिचुअल लीडर था, एक पॉलिटिकल लीडर था, एक एजुकेशनिस्ट था, फिलोसोफर था, बहुत सारी चीज़ें। तो इनको इतने छोटे छोटे कोट्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल था। हमने तो वैसे तकरीबन 10 किताबें लिखा है, लेकिन इस किताब पे बहुत मेहनत हुआ था एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो उर्दू में तर्जमा है, ये इसका 5वां ट्रांसलेशन है, जिसके पहले उसे लैंग्वेजेस में भी ये लिखा था, जैसे इटालियन, फ्रेंच, तमिल एंड मलयालम। तो इस किताब की जो एक्सेप्टेंस हुआ है दुनिया में, ये ना मेरे लिखने के अंदाज से है, ना कोई दूसरे कोई अपैरेंट रिसर्च है। इसकी जो बाकी पावर है, इसकी जो मैजिक है, वो इस शख्स से जुड़े हुए हैं जो सैयद मोहम्मद अली शिहाब का। सैयद से आपने मिलजुल कर और अमन से रहने का पैगाम दिया, क्या आपको लगता है कि आज के माहौल पे, आज के जैसे लोग हैं और आजकल के माहौल पे, क्या ये एक अच्छा असर देता है उनकी बातें और उनकी गहरी बातें जो इस किताब में मेंशन है? देखिए, अमन की जो लवर्स पीस, अमन और दुनिया में जो प्यार की जो जरूरत है, वो हर एक दिन बढ़ता जा रहा है। और हम देख रहे हैं दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स हैं, इन सब चैलेंजेस में हमें पीस का जो इजहार करना सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सैयद जैसे इंसान के मैसेज और लाइफ हमें ज़्यादा लोगों को पहुँचाना है। ये हमारे जो अभी जिंदा है उनके एक ड्यूटी है। शाम तो 2009 में बफर पाते थे, लेकिन अभी भी उनके जो मैजिक है, उनकी जो करिश्मा है, उनकी जो लाइफ है, बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। और केरला में और दूसरे जगहों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स,
रिसर्च सेंटर्स उनके नाम के खड़े हो गए। तो अच्छे लोग जो है इस दुनिया से गुजरने के बाद भी उनके नाजिक उस दुनिया में रहते हैं। आपको लगता है जिसे जो उनके ख्यालात हैं वो आज के दौर के लिए कुछ नए और मुख्तलिफ हैं? उनके जो ख्यालात है उनके रेलेवेंस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं एंड ही लिव्ड इन अ डिफरेंट टाइम और हम एक दूसरे दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल है एक है और लोग दूसरों से जो नफरत करते हैं, जंग करते हैं और दूसरे जो बुराइयां करते हैं वो हर जमाने में एक है, तो इसकी इलाज भी एक है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो शुऊर-ए-शिहाब है वो इस बीमारी के एक इलाज हो। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस किताब से लोगों को क्या सीख मिले और कोई ऐसा कोट या स्लोगन किताब से जो आपसे आपको बहुत अहमियत रखता है और आपके बहुत दिल के करीब है? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है क्योंकि एक तो ये मेरी किताब है और शुऊर-ए-शिहाब जो है बहुत लोगों के आइडल है और उनने जो भी कहा है जो भी किया है एक्चुअली बहुत कम कहा है, उसकी जिंदगी ही उसकी मैसेज था। और इट्स नॉट अबाउट हिज अ वेरी वोरेशियस स्पीकर और वेरी फ्लुएंट ऑरेटर और समथिंग, ही वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी लिटिल स्पोकन। इस किताब के आखिरी कोटेशन जो है, आम इंसान सा मुस्तकबिल में अवाम नास के लिए दरमियान में किसी आम इंसान की पहचाने जाने को पसंद करता। सैयद शिहाब बड़े नेता था, बड़े इंसान थे, बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े माने जाने आदमी था, लेकिन उन्होंने कभी भी एक कॉमन मैन से ज्यादा अपने आप को नहीं समझा। सैयद शिहाब इज द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमन मैन। वेल ही डिड नॉट इज विश फॉर फिल बिकॉज today at the Sharjah International Book Fair, even after 50 years of his death, we are talking about him. So he could not be known as a common man, that's why we are celebrating him. So the message I want to give through this book, one of the messages is aadmi ko apne culture mein, apne tehzeeb mein, apne identity ko celebrate karna zaruri hai. Hame kisi dusre tehzeeb ke koi shadow कोई चाया नहीं रहना है। वी शुड बी ऑफ आवर ओन, हमारे अपने आइडेंटिटी को हमें सेलिब्रेट करना है, किसी दूसरे फॉरेन कल्चर के साये में नहीं रहना है। आपने जैसे बताया हमें कि ये किताब बहुत लैंग्वेजेस में तर्जमा की गई है, डू वी एक्सेप्ट मोर ट्रांसलेशंस फ्रॉम द किताब? इट्स अ ग्रेट न्यूज दैट आफ्टर ऑल द ट्रांसलेशंस दैट हैज कम आउट, जैसे अभी बताया इटालियन, फ्रेंच, और अभी उर्दू माशाल्लाह निकला है, तो इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले चाहा तो इस किताब के एक जापानीज ट्रांसलेशन करने का, सो द जापानीज ट्रांसलेशन विल सी लाइट वेरी सून, सो ऑल द वे टू द फार ईस्ट टोक्यो से इंशाल्लाह इस किताब के जापानीज ट्रांसलेशन निकलेगा। आपको क्या लगता है अगर वो आज हमारे साथ मौजूद होते, वो ये बुक लॉन्च देख के क्या कहते और उनको कैसा फील लगता कि आपने उन्हें इतना इज्जत दिया, उनको ऑनर किया, उनकी लाइफ को इतना ऑनर किया? अगर होता तो I don't know what he will say, but he will tell us that he want to be known only as a common man. हम उसको सिर्फ एक कॉमन मैन के हैसियत से लोग जानना था and he wants it just to do more and more good. So I think he would let us help the poor, help the lady, and God's help will come. I just want to extend my thanks to the Al Skills team and of course the publisher of the book list. Thank you. And I want to extend my thanks also to my family, my children, my mother, and all of you for being here and being part of this program.